फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स 17 अगस्त जीके क्वेश्चंस ऑफ ऑल शिफ्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली एंड ऑफ द डे के अंदर आज मैं थोड़ा लेट हो गया आपके लिए, 17 अगस्त के जो जो जीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे वो सभी, यानी कि जो तीनों शिफ्ट के पेपर हैं वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि डेली जितने भी पेपर होते हैं उनका सभी का अपन एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपने डेली जीके क्लास में से आए हैं वो देखते हैं, साथ में उनका आंसर्स भी देखते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं 17 अगस्त का लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी इस साल वही टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है। ओके, अपन देखेंगे कि बुक्स एंड ऑथर से डेली एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर बॉर्डर से लेकर, ओके, इस तरह के सवाल है जो कि बहुत कॉमन है और अपन हमेशा कवरअप करते आए हैं और इस साल वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आता है, ऐसे वीडियो आपको और अच्छे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। तो देखते हैं 2017 के अंदर एसएससी के अंदर 17 अगस्त को जो तीनों शिफ्ट के अंदर जीके क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था यूके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंकिंग क्या है 2016 की। ठीक है, यूके की पूछी गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2016 की रैंकिंग, इसका आंसर था 16। 2016 की मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप रनर अप, ठीक है, 2016 के अंदर कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, इंडियन विनर रहा था, उसके अंदर रनर अप कौन था, तो यहां पे आंसर था आपका ईरान। नेक्स्ट था सोडियम इज इन्वेंटेड बाय, सोडियम किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, यह है डेवी आपका आंसर था। हु वॉन बुकर प्राइज इन 2016, यानी कि जो बुकर प्राइज है 2016 का वो किनको मिला था, तो वह है पॉल बीटी। ये अपन कई बार अपन कवर अप कर चुके हैं अपने जीके क्लास के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस वाले क्वेश्चन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। नेम द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ये है अफगानिस्तान। इसको मैं ज्योग्राफी में आपके लिए कवर अप कर चुका था डेली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की बॉर्डर इंडिया से टच होती है। नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर इंडिया से टच नहीं होती है, लेकिन 105-110 किलोमीटर के आसपास की एक बॉर्डर है जो कि इंडिया शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, ये मैंने स्पेशली मेंशन किया था ज्योग्राफी के क्लास में डेली क्लास के अंदर। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज अ चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वन मोर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर इनपुट, तो ये है मार्जिनल इनपुट जो कि पूछा गया था। और फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशिया का जो मिल्क है उसका फॉर्मूला जो कि MgOH का होल टूवाइस। नेम द गवर्नमेंट स्कीम इन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन विलेज, तो जो विलेज के अंदर गवर्नमेंट टॉयलेट बना रही है उस योजना का नाम क्या है, इसके लिए मैंने आपसे अलग से वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सभी मैंने उसमें कवर अप करी थी, तो इसका नाम क्या है, निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान उस स्कीम का नाम है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर अप करा हुआ है। जाइलम फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इन विच पार्ट, तो जाइलम जो है वो कौन से पार्ट के अंदर पहली बार प्रोड्यूस होता है, तो जाइलम फाइलम ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर रहे थे अपन ने, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है लीफ का वहाँ पे फर्स्ट प्रोड्यूस होता है। ब्रिंजल एंड टमेटो आर फ्रॉम विच फॉर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल, तो ये पूछा गया। उसके बाद व्हाट इज अ वोकल कॉर्ड लेंथ इन मैन, मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या है, ये पूछी गई। तो मेल के अंदर वोकल की जो लेंथ है वो 15 mm से 25 mm तक की होती है और यही फीमेल में 12.5 से 17.5 mm तक की होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को लेकर, एक क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन काली एंड सतलज रिवर, ठीक है, सतलज और इस दूसरी रिवर के बीच में कौन सा पार्ट है हिमालय का, जो कि कुमुन हिमालयस, ओके, कुमुन हिमालयस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। अमेंडमेंट पूछा गया सुप्रीम कोर्ट जज की जो 65 ईयर की गई थी उम्र वो 114 अमेंडमेंट था। ओके, साउंड इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साउंड किससे जनरेट किया गया था, जनरेट था, चार ऑप्शन थे और मुझे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। जामा मस्जिद इज बिल्ड इन विच सेंचुरी, तो जामा मस्जिद बनाई गई थी 17वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ये भी अपन कवर अप कर चुके हैं हिस्ट्री के क्लास में। डिंडा एम्प्रेसेस रूल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, तो डिंडा एम्पायर के बारे में पूछा गया, ठीक है, कन्वर्ट करना था एक बाइनरी को डेसिमल के अंदर। विच रेलवे स्टेशन कनेक्टेड पाकिस्तान एंड इंडिया, तो अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, अटारी रेलवे स्टेशन कनेक्ट करता है इंडिया और पाकिस्तान को। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो अर्थवॉर्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, यह एनिलिडा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब, तो WWW के यूजेस के बारे में पूछा गया यूआरएल के। विच किंग किल्ड बाय अकबर, तो कौन सा किंग था जिसको अकबर ने किल किया था।
वुमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया इन 990 BC ऑफ विच स्टेट. तो वुमेन एम्प्लॉयड के बारे में पूछा गया 19वीं सेंचुरी के अंदर कौन से स्टेट में थी. हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया हैज ऑफ जुलाई 2017, यानी कि जुलाई 2017 तक भारत में कितने स्टेट अवेलेबल थे. तो आपको पता है तेलंगाना बनने के बाद में 28 से 29 स्टेट अपने हो गए, तो अपने कितने टोटल है 29. केल्विन इज ए यूनिट ऑफ, तो केल्विन सेल्सियस ये सब अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इस पेज पे बात की जाए तो मैंने आपको इस जो डिस्कस किया है स्टेट्स वाला तो बहुत कॉमन है, कई बार डिस्कस किया है. ठीक है, ये एक सवाल था जो कि अपन ने जीके क्लास में डिस्कस किया था. यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन फेरेनहाइट ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आंसर टेम्परेचर था इसका. हु वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 में चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जो कि फॉर्मूला वन की चैंपियनशिप है, ये लुइस हैमिल्टन ने जीती थी. ये अपन ने करंट अफेयर में कवर अप किया है, ये भी कवर अप किया है कई बार. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है कि नॉर्वे की रैंकिंग क्या है, एसडीए 2016 के अंदर नंबर वन रैंकिंग थी. ठीक है, ये इस सवाल जो कि एक डेली लाइव क्लास में एक बच्चे ने पूछा भी था, उसका मैंने आंसर किया था उस टाइम पे. हु इन्वेंटेड ECG, तो ECG के इन्वेंशन किसने किया था, विलियम इन थॉविन ने. विच योजना हैज बीन लॉन्च रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशल और कल्चर, तो एक योजना के बारे में पूछा गया जो कि रिलेटेड थी रूरल सोशल और कल्चर से रिलेटेड. एक क्वेश्चन मैचिंग को लेके पूछा गया बुक्स और उसके ऑथर को लेके. ठीक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर जगह पे पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है. चारमीनार इज इन विच स्टेट, तो चारमीनार कौन से स्टेट में, हैदराबाद में. बहुत ही आसान सा सवाल था. इफ ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन एन इक्लिप्स देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सन, तो सन की जो पोजीशन होगी वो क्या होगा, वो फोकस बन जाएगा. ये आपका आंसर था. पंजाब राज्यसभा सीट था, तो पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो पूछी गई थी जो कि यहाँ पर 7 थी. इंडिका इंडिकेट्स इन नोमन कल्चर, तो इंडिका क्या दिखाता है, इंडिकेट्स करता है नोमन कल्चर में, ये सवाल पूछा गया. साथ में बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया, बिम्स्टेक के बारे में मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ आपको, बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, बिम्स्टेक क्या है, एशियान और साथ में जो अपना सार्क है इन दोनों का बीच का पार्ट है बिम्स्टेक. ठीक है, दोनों का इसको बोलते हैं कि म्यूचुअली बनाई गई है. आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय होम, तो आगरा फोर्ट के बारे में पूछा है किसने बनाया था, जो कि अकबर ने बनाया था, कई बार अपन ने कवर अप किया है. लिंक्डइन वॉज ब्रॉट बाय, तो लिंक्डइन किसके द्वारा लाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. जामा मस्जिद वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, बहुत ही आंसर आसान सा था. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शुरू के अंदर जब SSC का पेपर स्टार्ट हुआ था, जब भी ये सवाल पूछा गया था कि जो एंट की स्टिंग होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिक एसिड होता है, और आज भी वापस से कल भी ये वापस से रिपीट हुआ. विच डायनेस्टी लिव्ड इन रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट में कौन सी डायनेस्टी रहती थी, मुगल डायनेस्टी. विच क्रॉप वॉज फोर्सफुली क्रॉप बाय पंजाब फार्मर्स इन ब्रिटिश टाइम, तो कौन सा क्रॉप था जो कि फोर्सफुली क्रॉप किया गया था ब्रिटिश फार्मर्स के द्वारा ब्रिटिश टाइम में. ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन था जो कि 1946 में बनाई गई थी, अपन ने कवर अप किया था. फीफा वर्ल्ड कप कवर अप किया था. ठीक है, तो ब्राज़ील में हुआ था. नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन, ये अपन कवर अप कर चुके हैं सेकेंड स्टेज फाइलम की. इंडिया बॉर्डर पूछी गई, टोटल लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर जो कि 15,200 किलोमीटर की है, कई बार अपन इसको ज्योग्राफी में कवर अप कर चुके हैं. ये अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको कवर अप करवाया ये तीनों क्वेश्चन. विच मूवी वॉन ऑस्कर अवार्ड, तो मूनलाइट थी वो मूवी. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है वापस से इसी साल, वापस से 5 तारीख को भी एक सवाल पूछा गया था. रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं. विच राइट इज टू यूज इफ नॉट सेटिस्फाइड विद जजमेंट, तो ये भी अपन पॉलिटी में कई बार कवर अप कर चुके हैं. आर्टिकल 32 कल ही मैंने आपको बताया था, सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32. ठीक है, इन्वेंटर ऑफ कलर फोटोग्राफी पूछा गया, जेम्स क्लर्क इसका आंसर है. रिवर जो कि इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है वो है चेनाब. पटकाई रेंज इज इन विच पार्ट ऑफ माउंटेन, पटकाई रेंज के बारे में पूछा गया. ठीक है, डेफिनेशन पॉल्यूशन की पूछी गई. साथ में पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट है साइंस के अंदर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको फोर्स कहते हैं. ठीक है, पटकाई डैम भी अपन कवर अप कर चुके हैं. विच योजना रिलेटेड टू द क्लीननेस ऑफ चिल्ड्रन, क्लीननेस से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया. विच हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन सोप, सोप के अंदर कौन सा हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. और एक क्वेश्चन पूछा गया फाइलम से रिलेटेड वापस. सो फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि 17 अगस्त को पूछे गए थे जीके से रिलेटेड. उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही 18 तारीख को भी जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ताकि आपके आने वाले पेपर में काफी इंपॉर्टेंट और एक या दो क्वेश्चन आपको जैसे कि मैंने बताया कि रिपीट हुए हैं, वापस से आपके लिए रिपीट होकर मिलेंगे और आप डायरेक्टली उसको आंसर को पिक कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम.